तो ये पहले का थर्ड क्वेश्चन है। एक्स टू द पावर 4 - 5x + 6 और इसमें -x² + 2 से आपको डिवाइड करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर सही रहता है। तो इसमें मैक्सिमम पावर एक्स टू द पावर 4 इसके साथ +1 है, सब उठा लेंगे, तो +x² हमें लाना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो अगर मैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका मिल जाएगा +x² और -2x², तो -x² इसमें मल्टीप्लाई, तो -2x², तो इधर तो लाइट टर्म दिखाई नहीं दे रहा था, इसको बाहर लिख देंगे इधर -2x². अब घटाएंगे तो साइन चेंज, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल। अब उतार दीजिए। अब इसमें मैक्सिमम पावर +2x² है, तो इसमें अगर मैं -+2x² है, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका बिल्कुल वही उतारिए जो मैक्सिमम पावर के साथ जो भी है ना वो सब ले लीजिए, सेम टू सेम वही चाहिए। तो आपका यहाँ से -2 से जब करेंगे तो +2x² और -4 घटाइए, घटाने पर प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो ये आपका बनेगा 5x - 5x और +10। तो ये आपका जो है क्वेश्चन -x² - 2 और आपका रिमाइंडर -5x+10। रिमाइंडर के बारे में आपको फिर से आपको सूचित करें कि इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर -x² -2 और -5x+10।